केंद्र सरकार के नोटबंदी के 2 साल पहले देश को पेश आई समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने मुंह पर काली पट्टियां बांधकर रोष प्रदर्शन किया। गांधी चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी की नोटबंदी के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए केंद्र सरकार को जमकर कोसा और इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर के अलावा कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि नोटबंदी से हर व्यक्ति प्रभावित हुआ था, चाहे वह किसी भी वर्ग का रहा हो। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण आज तक व्यापारी उभर नहीं पाए हैं। कौशल ने कहा कि नोटबंदी का उद्देश्य आज दिन तक पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि कालाधन अभी भी देश में नहीं आ पाया है और पीएम मोदी के द्वारा किए गए सारे दावे खोखले साबित हो गए हैं। के दिन भारत सरकार ने नोटबंदी की थी हिंदुस्तान के अंदर, और सारा देश जानता है कि इस नोटबंदी को जिस उद्देश्य से भारत सरकार ने उस वक्त किया था, और जो नोटबंदी करते समय प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा करते हुए जो दावे किए थे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की, भ्रष्टाचार खत्म होने की, उग्रवाद को खत्म करने की, वो सारे वादे जो हैं वो सारे के सारे इस नोटबंदी से खोखले साबित हुए हैं। और नोटबंदी का उल्टा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है इसके ऊपर विपरीत असर है। आज जो लघु उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, वो खत्म हुए, रोजगार खत्म हुए, और सबसे बड़ी बात है कि जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को देने का वायदा किया था, ना केवल वो वादा धाराशाही हुआ, बल्कि इस नोटबंदी के चलते जो उद्योगों के ऊपर विपरीत असर पड़ा, उसकी वजह से रोजगार में कमी हुई, रिट्रेंचमेंट हुई, जो लोग लगे हुए थे प्राइवेट सेक्टर में उनकी छुट्टी हुई, किसी भी साबित नहीं हुई है। और इसका उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने विरोध किया था, और उसी की जो नाकामियां हैं उनको उजागर करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर जो है ये विरोध प्रदर्शन, काली पट्टियां बांधकर जो है उसका आयोजन किया है, ताकि नोटबंदी को लेकर जो सरकार की असफलता है, जिन जिन मोर्चों के ऊपर सरकार विफल हुई है, चाहे वो रोजगारी का सवाल हो, चाहे उद्योगों को समाप्त करने का सवाल हो, आज लोकतंत्र जिस तरीके से खतरे में है, जिस तरीके से जो इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो आपका सीबीआई में जो ड्रामा आपके सामने पूरे देश में चल रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक ड्रामा है। पिछले दिनों आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के 4 जजीज ने जो है वो न्याय की मांग कर रहे थे। तो जिस तरीके से संविधान संस्थाओं का इस शासनकाल में पतन हुआ है, उसको भी जनता के सामने कांग्रेस पार्टी इस आज का जो विरोध प्रदर्शन है इसके माध्यम से लाना चाहती है। बहुत बड़ा कुनबा है ये आज का जो कार्यक्रम है। ये पहले आप परसों दिवाली थी, कल भी छुट्टी थी, और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आयोजित किया गया है। ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी का मजबूत जनाधार हमीरपुर जिला के अंदर है, और कांग्रेस पार्टी का संगठन भी हमीरपुर में मौजूद है। इसकी तैयारी के लिए समय कम मिला, इसकी वजह से लग रहा होगा आपको कि आज थोड़े लोग इसमें, लेकिन इसको एक आपका कोई विधायक फिटिंग रहे कि यहाँ पे नहीं है क्या? मैंने कहा ना कि बहुत कम समय में हुआ है। हमारे लखनपाल जी शिमला में है, सुखू जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो शिमला में है, हमारे जो रजिंदर राणा जी हैं वो चंडीगढ़ में है। ये बहुत जल्दबाजी में और कम नोटिस के ऊपर आज का जो आयोजन है उसको किया गया, इस वजह से आज सारे लोग इसमें शिरकत नहीं कर सके, शामिल नहीं हो सके, तो यही इसकी वजह है। बाकी कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो हमीरपुर जिला में मौजूद है, उसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें 5 में से हमीरपुर जिला में विधानसभा चुनावों में जीती है, और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि नोटबंदी के 2 साल पूरे होने के बाद आज तक यह पता नहीं लग पाया है कि काला धन कहाँ है। उन्होंने कहा कि आज महंगाई चरम पर है, लेकिन केंद्र सरकार अपने मजे लेने में लगी हुई है। आज जो है ये हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी के आह्वान के ऊपर, और हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आह्वान के ऊपर, ये आज के जो दिन जब भाजपा के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक पब्लिक फरमान जारी किया था और नोटबंदी की, जिससे पूरे देश के अंदर एक हाहाकार मच गया था, आज उसको एक वर्ष पूरा हो चुका है, परंतु प्रधानमंत्री महोदय जो है वो ये बताने में असमर्थ हैं कि उस नोटबंदी से इस देश को क्या फायदा हुआ, इस जनता को क्या फायदा हुआ, और कितना जो काला धन था वो बाहर आज जनता के सामने उन्होंने बताया कि कितना काला धन बाहर निकल के आया।
उल्टा जो आम जनता थी वो उस नोटबंदी से परेशान हुई, यहां तक कि जो छोटे छोटे उद्योग थे वो खत्म हो गए, जीडीपी की जो स्तर था वो नीचे गिरा और महंगाई चरम सीमा पर बढ़कर बढ़ी हुई। आज की डेट में आप देखेंगे कि पेट्रोल डीजल और जितने भी इसके दाम जो है वो रसोई गैस के दाम जो है बढ़े, परंतु उस नोटबंदी से आम जनता को कोई राहत नहीं मिली, उल्टा जो आम जनता थी उस नोटबंदी की वजह से परेशान हुई और आज पूरे देश के अंदर जिस चरम सीमा पर महंगाई है और आम जनता उससे बहुत ज्यादा परेशान है और केंद्र सरकार ने जो भाजपा ने सत्ता में आने से पहले इस जनता को जो आम एक लोन लुभावने सपने दिखाए थे आज भाजपा सरकार जो वो पूरी तरह से असफल हो गया उनको निभाने के लिए। आज तीनों विधायकों से मेरी बात हुई थी क्योंकि वो बाहर हैं, यहाँ हमीरपुर में नहीं है, बाहर हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो खुद प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो शिमला में इस टाइम धरने पे बैठे हुए हैं, बाकी दो विधायक भी वो आज यहाँ हमीरपुर जिला में नहीं है, उनसे मेरी बात हो चुकी थी। और ये जरूरी नहीं होता कि कार्यक्रम जब जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम होता है तो वो विधायक हैं उनकी अपनी भी व्यस्तताएं होती हैं और वो अपने कामों में बिजी रहते हैं, संगठन जो है वो अपने कार्य निभाता रहता है, संगठन अपने कार्य करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। जब जब विधायक जब देखिए अभी हाल ही में पीछे हमीरपुर जिला में जिला स्तरीय सम्मेलन हुआ, आपने देखा होगा कि सभी विधायक उसमें मौजूद थे, उससे पहले लोकसभा का सम्मेलन हुआ उसमें भी सारे के सारे विधायक मौजूद थे। धरना प्रदर्शन में ऐसा होता है कि धरना प्रदर्शन एक प्रदेश की कॉल होती है और ये कोई सुनिश्चित नहीं होता कि कल धरना देना है, कोई ऐसी कोई बात हो जाती है जिसके लिए धरना जो है वो सुनिश्चित किया जाता है तो वो एकदम से वहां से कॉल आती है और उसके पश्चात जो है वो धरना प्रदर्शन किए जाते हैं। तो उसमें कई बार जो कार्यकर्ता हैं जो हमारे ऑफिस बीरियर हैं चाहे विधायक हैं एक्स एमएलए हैं वो यहां नहीं भी होते तब भी कांग्रेस पार्टी जो अपना कार्यक्रम जो है